अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। आपने नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिला नागा साधुओं की दुनिया भी कम रोचकता से भरी हुई नहीं है। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि हम में से अधिकतर लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि महिला नागा साधुओं का भी अस्तित्व है। आइए हम आपको बताते हैं महिला नागा साधुओं से जुड़ी हुई रोचक बातें। एक, महिला नागा साधु बनने से पहले महिला को 6 से 12 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसके बाद गुरु यदि इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि महिला ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है तो उसे दीक्षा देते हैं। दो, महिला नागा साध्वी बनाने से पहले अखाड़े के साधु संत महिला के घर परिवार और पिछले जीवन की जाँच पड़ताल करते हैं। तीन, महिला को भी नागा साध्वी बनने से पहले खुद का पिंडदान और तर्पण करना पड़ता है। चार, जिस अखाड़े से महिला संन्यास की दीक्षा लेना चाहती है उसके आचार्य महामंडलेश्वर ही उसे दीक्षा देते हैं। पाँच, महिला को नागा साध्वी बनाने से पहले उसका मुंडन किया जाता है और नदी में स्नान करवाते हैं। छह, महिला नागा साध्वी पूरा दिन भगवान का जप करती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, इसके बाद नित्य कर्मों के बाद शिव जी का जप करती है, दोपहर में भोजन करती है और फिर से शिव जी का जप करती है, शाम को दत्तात्रेय भगवान की पूजा करती है और इसके बाद शयन। सात, सिंहस्थ और कुंभ में नागा साधुओं के साथ ही महिला साध्वी भी शाही स्नान करती है। अखाड़े में साध्वी को भी पूरा सम्मान दिया जाता है। आठ, जब महिला नागा साध्वी बन जाती है तो अखाड़े के सभी साधु संत इन्हें माता कहकर संबोधित करते हैं। नौ, महिला नागा साध्वी माथे पर तिलक और सिर्फ एक चोला धारण करती है, आमतौर पर यह चोला भगवा रंग का या सफेद होता है। दस, साध्वी बनने से पहले महिला को यह साबित करना होता है कि उसका परिवार और समाज से कोई मोह नहीं है, वह सिर्फ भगवान की भक्ति करना चाहती है। 11. पुरुष नागा साधु और महिला नागा साधु में फर्क केवल इतना ही है कि महिला नागा साधु को एक पीला वस्त्र लपेट के रखना पड़ता है और यही वस्त्र पहनकर स्नान करना पड़ता है। नग्न स्नान की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि कुंभ मेले में भी नहीं। इस बात की संतुष्टि होने के बाद ही दीक्षा देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।